यूपी सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन शाहजहांपुर पहुंचे। वहीं पीस पार्टी ने संपूर्ण स्वराज यात्रा निकाली। गरीबों और मुसलमानों व पिछड़ों को उनका हक दिलाना ही यात्रा का मकसद रहा। आने वाले विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी भाजपा को हराने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। पीस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून और CAA कानून के विरोध में है। शाहजहांपुर में कटरा विधानसभा में निकाली गई संपूर्ण स्वराज यात्रा। यात्रा जो है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। समाज का कमजोर तबका, विशेषकर पिछड़ा, दलित और मुसलमान, उसे किसी भी सरकार में न्याय नहीं मिला है। पीस पार्टी उन सभी को जब तक न्याय नहीं दिलाती तब तक संपूर्ण स्वराज नहीं मानती है। स्वराज का मतलब है समाज के सभी कमजोर तबकों को उनकी हिस्सेदारी मिले, उनके साथ इंसाफ हो और उनके साथ कोई जुल्म न हो, बल्कि जो भी सरकारें प्रदेश में बनी है सभी ने समाज के उपेक्षित वर्ग, विशेषकर पिछड़े, दलित और मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं किया है। पीस पार्टी उन्हीं को अन्याय दिलाने के लिए इसी मुद्दे पर पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही है और पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को जागृत कर रही है 2022 के चुनाव में, ताकि हम सरकार बना करके लोगों को न्याय दें। पीस पार्टी क्या क्या किसानों के साथ है? पीस पार्टी किसानों के तीनों मुद्दे पर, पीस पार्टी का अपना किसान मोर्चा है जिसके सांगवान साहब उसके अध्यक्ष हैं, और पीस पार्टी किसानों के साथ ही तीन जो असंवैधानिक कानून बने हैं किसानों के खिलाफ और जो CAA कानून बना है देश के नागरिकता के खिलाफ, इन चारों मुद्दों पर पीस पार्टी मजबूती से सबके साथ संघर्ष कर रही है और सबको न्याय दिलाने का काम कर रही है। नरेश टिकैत का वीडियो वायरल हो रहा है, नरेश टिकैत का किसान यूनियन, नरेश टिकैत है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? एक तरफ किसानों को लुभाने का काम कर रहे हैं और एक तरफ इस तरीके का उनका वीडियो वायरल, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वीडियो वायरल करना समाज के जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उनका चरित्र है, वो सभी प्राइवेट चीज़ों को वो उजागर करते हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। सरकार जो मुद्दे लेकर के पार्टियां चल रही है, मैं समझता हूँ उसका महत्व है। यूपी में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए वैसे ही पार्टी और सपा गठबंधन कर रही है, कि आप भी गठबंधन करेंगे उससे? पीस पार्टी अभी तक किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ गठबंधन है पीस पार्टी का, और जो भी हिस्सेदारी दे समाज को कमजोर वर्गों के लिए, उसके साथ भाजपा को छोड़ के किसी के साथ भी गठबंधन पीस पार्टी कर सके। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।